शीशा यानी ग्लास को भी सड़ नहीं सकता है, आप लोग कहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शीशा सड़ता है लेकिन कितने दिन बाद सड़ता है, आप इस वीडियो में बने रहे, आपको पूरी जानकारी मिलेगा। जी हाँ, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। हमारे शरीर का कौन सा मांसपेशिया सबसे अधिक काम करता है, यानी कि सबसे जल्द वह काम करता है मांसपेशिया, बाकी मांसपेशिया स्लो काम करता है, उस मांसपेशिया का क्या नाम है? मैं आपको बताता हूँ कि उस मांसपेशिया को कहते हैं आँख का, जो मांसपेशिया होता है वह बहुत जल्द काम करता है। जी हाँ, मैं सबसे लंबी नहर कौन सा है जो कि पूरे दुनिया में उसका गिनती किया जाता है, जो कि सबसे लंबी नहर है, उस नहर का क्या नाम है, वह कहां पर स्थित है? जी मैं बता देता हूं कि सबसे लंबी नहर स्वेज नहर है, वह 168 किलोमीटर तक है। वह कहां पर है? मिस्र में पाया जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, यानी कि भारत का ही महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग भी जानते हैं उस महाकाव्य का, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उससे महाकाव्य का नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। जी हाँ, महाभारत। महाभारत दुनिया का महाकाव्य कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी कि एयर ग्राउंड कौन सा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयर ग्राउंड एयरपोर्ट है, उसका क्या नाम है, वह कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, उस एयरपोर्ट का नाम है जो कि टेक्सा का पोर्ट बर्थ, जो कि अमेरिका में स्थित है। मेरे वीडियो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है जो कि पूरे दुनिया के अंतर्गत आता है, वो कौन सा शहर जो कि सबसे अधिक जनसंख्या रखे हुए है अपने? जी हाँ, टोक्यो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कहा जाता है। दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा यानी कि पुराना भाषा, दुनिया का सबसे पुराना भाषा कौन सा है, उस भाषा का क्या नाम है? जी हाँ, वह भाषा है संस्कृत, जो कि दुनिया का सबसे पुराना भाषा कहा जाता है। मेरी वीडियो अच्छा लगा। देश कौन सा देश वह युद्ध में यानी कि युद्ध जो लड़ाई होता है उसमें कभी वह भाग नहीं लिया, उस देश का क्या नाम है जो कि युद्ध में कभी तक वह भाग नहीं लिया? जी हाँ, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने एक बार भी वहां युद्ध में भाग नहीं लिया। मैं एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रपति का कार्यकाल वह यानी कि कितने दिनों तक वह अपने कार्यकाल कर सकता है, यानी कि वह पद पर रह सकता है, कौन सा एक देश है? जी हाँ, उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति मात्र एक साल के लिए ही रह सकता है, बाकी अधिक दिनों तक नहीं रह सकता है, एक साल मात्र का। दुनिया का सबसे मरुस्थल भूमि जो बालू का भूमि होता है जिसे कहते हैं रेगिस्तान, वह सबसे बड़ा दुनिया में कौन सा है और वहाँ कितने लंबाई है उनके? जी हाँ, सहारा रेगिस्तान है जो कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि अफ्रीका में है। मेरे वीडियो अच्छा लगा। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है? जी हाँ, मैं बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है केस्पो यंसी, जो कि रूस में स्थित है। जी हाँ, यह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी हाँ, मेरे वीडियो अच्छा लगा है तुम्हें। जी दुनिया में सबसे अधिक किस व्यक्ति का वेतन मिलता है, कौन सा व्यक्ति है जिसका वेतन सबसे अधिक मिलता है? आप लोग कहेंगे IITian को। जी हाँ, IITian का नहीं मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अधिक वेतन मिलता है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है सबसे अधिक वेतन, बाकी किसी देश को राष्ट्रपति का नहीं मिलता या किसी भी व्यक्ति का।
शीशा यानी कि गिलास कभी सड़ता है या न सड़ता है? आप लोग कहें कि शीशा ऐसा पदार्थ है जो कि नहीं सड़ सकता है, वह कभी नहीं खत्म हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि शीशा भी सड़ता है, लेकिन वह कैसे सड़ता है? आप लोग कहेंगे मैंने भी जितने शीशे देखे लेकिन सड़ा हुआ नहीं देखेंगे। जी हाँ, उसके लिए लिमिट समय है जिसको आपको जन्म लेना पड़ेगा बहुत अधिक बार एक शीशा को देखने के लिए। वह कितने दिन के बाद सड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मिलियन वर्ष, यानी कि आपको 10 लाख वर्ष तक जो शीशा अब गड़े हुए रहेगा पृथ्वी के अंदर, वहाँ शीशा सड़ सकते हैं, बाकी शीशा नहीं सड़ सकते हैं। इसके आपको 1 मिलियन वर्ष यानी कि 10 लाख वर्ष के बाद शीशा गलता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।